नमस्कार दोस्तों डी डी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आलोक तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं पठान भाई का वीडियो लेकर आया हूं और इसका टाइटल है बलोच भाइयों ने ठोका सत्तर पड़ोसी सेना को इंडिया सपोर्ट बलोच आर्मी अच्छा चलिए देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आरोप लगाए जाते हैं आज तक इसका सबूत दिया नहीं गया है कि भाई ये हुआ वो हुआ फर्जी सबूत देते हैं जिस पर पूरी दुनिया में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और मैं तो लगातार कहता हूं कि भैया अगर आपके पास इतने ही पुख्ता सबूत हैं इतने ही जबरदस्त सबूत हैं भारत के खिलाफ तो प्लीज उसे लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए प्लीज उसे लेकर यूनाइटेड नेशंस में जाइए वहां पर भारत को घसीटिए भारत के खिलाफ केस करिए भारत को वहां पर बेनकाब कर दीजिए सेवेंटी सिक्स में ऐसा नहीं हुआ तो चलिए देखते हैं कि पठान भाई क्या बता रहे हैं तो दोस्तों कल से पाकिस्तान के इलाके बोलान और वहां पे एक जेल है वो कल रात को तोड़ा गया है और कल पूरी रात को जो है बलोच बाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की क्या मैं आपको बता नहीं सकता इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना के उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था साठ से सत्तर बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं दोस्तों आपने दुनिया में बड़े गंजे टकले देखे होंगे लेकिन ऐसा दल्ला ठकला आपने कभी पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा जाना चिक्जाई कल रात को जो भी हुआ है बोलान में या पाकिस्तान में वो सारा जो है उठाकर इसने हिंदुस्तान पर डाल दिया पहले तो अफगानिस्तान के लिए ये बोल रहा था अफगानिस्तान के ऊपर बोल रहा था मैंने इसके ऊपर तीन से चार वीडियो बनाए अब ये जो है हिंदुस्तान के ऊपर बोल रहा है इसकी वीडियो सुनिए फिर मैं आपको डॉक्टर मारंग बलोच की ए, दस या बीस सेकेंड की वीडियो भी सुनवाता हूं पहले इस इस दल्ले टकले की वीडियो सुनिए आप डॉक्टर महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है अगर वो हिंदुस्तान की जबान बोलना बंद करती है और जो फॉरन फंडिंग को मिल रही है वो बंद करे और जिस तरीके वैसे पठान भाई ने सही कहा इसके बारे में मुझे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ना वो बड़ा सही किया पठान भाई आपने एक्चुअली जचता है क्योंकि मैंने इसकी दो लाइनें सुन ली अभी और इतने में ही मुझे पता चल गया मैं भी यही कहूंगा कि अगर डॉक्टर महरंग बलोच भारत की जबान बोलती हैं तो क्या अगर वो अपने मिसिंग पर्सनस की बात करने इस्लामाबाद गई थी तो वो भारत की जबान थी जो उनके साथ लोग गए थे जो कोई अपना बेटा ढूंढ रहा था कोई अपना फादर ढूंढ रहा था कोई अपना भाई ढूंढ रहा था क्या वो भारत की जबान बोल रहे थे क्या ये भारत की जबान है कि जी मेरा बेटा वापस कर दो मेरा भाई वापस कर दो कहाँ है उसके बारे में कुछ बता दो ये भारत की जबान है सैंतालीस हजार बलोच गायब हैं पैंतीस हजार से ज्यादा पश्तून गायब हैं और अगर उनकी फैमिली वाले आकर उन गायब लोगों के लिए डिमांड कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करके क्या यह भारत की जबान है बिल्कुल सही कहा पठान भैया आपने बिल्कुल सही शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए भारत की जबान तो नहीं हो सकती जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की जबान बोली है और उन दहशत गर्दों को जिन्होंने एक साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है कि सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं तो आप हमारी बहन हैं हम कुशादा दिल्ली आज भी दिखा रहे हैं इस्लामाबाद के इस मरकज में हम रियासत और पाकिस्तान को आप जितनी भी गालियां दे रहे हैं लेकिन हम यह बर्दाश्त कर रहे हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी जमहूरी सिस्टम है जो भी आप कहना चाह रही हैं इस मुल्क में बैठ के आप इस मुल्क के खिलाफ वो हम दिखा रहे हैं मीडिया दिखा रही है लोग सुन रहे हैं आप कोई भी मुझे इसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती इस फ्राकदीली की ये वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा लंबी है यहां तक आपको सुनवा लिया है ये दल्ला टकला जो है हीरा मंडी का दलाल बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे भारत का हाथ है इसी धल्ले ने इसी हीरा मंडी के दलाल ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के ऊपर भी ये भौंक रहा था जब अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की सेना के बीच में चल रहा है तो ये पाक ये आईएसआई के पाले हुए कुत्ते हैं दोस्तों जब जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई अपना हक लेने के लिए कोई अपना अपने लिए आवाज उठाता है तो उनके लिए ऐसे पाले हुए कुत्ते आईएसआई के वो जरूर सामने आते हैं अब डॉक्टर मारंग बलोच की एक वीडियो सुनिए वो क्या बोलती है इस दल्ले टकले को उसने रिप्लाई दिया है जरा वो भी सुनिए अच्छा आपके ऊपर इल्जाम ये भी लगाते हैं आपको पता है बहुत सारे की जी हिंदुस्तान से आप मदद मिलती है आपको फंडिंग मिलती है आपकी वहां वो आप लोगों को भेजते हैं कि यहाँ पे आके नार्की फैलाएं और वहां बलोचिस्तान में अमन ना हो ग्वादर में चीन ना आए तो क्या ये इस पे आप क्या कहेंगे ये इल्जाम को हाँ मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर हम इंडिया के एजेंडे पर चलते तो आपसे इंसाफ नहीं मांगते हम फुरमान तौर पर आपके सड़कों में नहीं आते आपके पार्लियामेंट में हमारे लापता अफराद केसेस नहीं होते आपके सेनेट से हम इंसाफ नहीं मांगते और आपकी वजरा से जब 2022 हजार बाईस में धरना चलाता तो आपकी वजरा ने आकर हमें अशॉरिटी दी उसके बाद हमने अपने धरने को खत्म किया आप कब तक अपनी नायली की जिम्मेदारी जो है ना भारत को देंगे यहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है माशाल्लाह से गैस भी सिलेंडर भी पट जाता है पाकिस्तान में तो बोलते हैं ये भारत की साजिश है ना तो आप हर चीज को साजिश का नाम नहीं दे सकते है। आ, आप में आपके अंदर अगर पाकिस्तान में शायद सियासी जमात तो मैं बोलती हूँ कम है अगर कोई सियासी जमात है और वाकई सियासी शऊर रखती है तो अः अगर कोई सियासी डिबेट है चीजों को चेंज करने की तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बने थे लेकिन आज आप, आप 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 देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो है ना उस लम्हे से बिल्कुल उबर ही नहीं रहा है आज पाकिस्तान में जितने आलात हैं जितनी चीजें हो रही हैं उसका इल्जाम भारत में लगाने से मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा और खासकर बलोच तहरीक बलोच जो तहरीक है वो हमारी कौमी तहरीक है उस पर हमने आज तक जो है ना अपने ये आपने डॉक्टर मारंग बलोच की बातें भी सुन ली देख ये लोग जो है वो कहते हैं ना कहावत है कि बातों के बूत जो होते वो लातों ये नहीं सॉरी लातों के बूत जो होते वो बातों से नहीं मानते तो पाकिस्तान की सेना जो है ना इनको घरे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना तब ये जाके सीधे होते हैं देखिए बलोचिस्तान के लोग जो है वहां के बच्चे बूढ़े महिलाएं वो इतना लंबा सफर तय करके गई थी जो है वो इस्लामाबाद पैदल और इतनी सर्दी में लेकिन इन लोगों ने उनको जाने तक नहीं दिया रस्ते सारे बंद कर दिए थे और रात को कल रात को दो दिन से ट्वेंटी फोर हावर्स हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी हो रही है पड़ोसी सेना की कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है पैंठे पीली हो चुकी है कि वो कोयटा के साइड जा नहीं रही और एक बड़ी न्यूज ये भी है साथ में कि जो पठान लोग हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर बहुत सारे 20 से 25 जो है सेना के बंदे थे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे बलोचों के साथ तो भाई उनको कोर्ट मार्शल किया है और उनके हाथ और आंखें बांध के लेके गए हैं क्योंकि वो पठान थे उन्होंने कहा कि भाई ये बलोचों को मारना ये जुल्म है हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे तो भाई जो पंजाबी जो सेना में जो बंदे हैं जो ऑफिसर थे उनके वो पठानों के हाथ बांध के लेके गए हैं उनको कोर्ट मार्शल करने के लिए कि आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप बलोचों को मारो क्यों नहीं मार रहे हो तो वो पठान बोल रहे हैं कि ये बलोच को मारना नाजायज है और पठान कॉम जो है वो हमेशा बलोचों के साथ कड़ी है और सेम टू तो सेम जो मसला बलोचों का है पाकिस्तान के अंदर वही सेम टू तो सेम पठानों के साथ हो रहा है वही उनके लीडर जो है मंजूर अहमद पश्तीन जैसे मारंग बलोच है उसी तरह एक लीडर है उनको इन लोगों ने पकड़ा हुआ है तो ये ये सारी बातों का जो है वो एंड एक ही बात पे आता है कि पड़ोसी देश का ऐसा भयानक एंड होने वाला है दोस्तों ऐसा भयानक एंड होने वाला है कि दुनिया देख के हैरान भी हो जाएगी और परेशान भी हो जाएगी और इस बात का अंदाजा खुद पाकिस्तान की सेना को भी लग चुका है हर तरफ से वहां पे कुटाई हो रही है और स्पेशली बलोचिस्तान के बलोच भाइयों ने सारे अपने शहरियों जो जो अवाम है आम उनको अलर्ट किया है कि बाहर ना निकलें उन्होंने बहुत सारी जगहों पे माइन लगाए हुए हैं और वो अब छोड़ेंगे नहीं ये किराए की टट्टू जो है सेना को और ये टट्टू सेना जो है दोस्तों पिछले दो दिन से इनकी ऐसी पेंटें पीली हुई है कोटा बलोचिस्तान के अंदर के मैं आपको बता नहीं सकता हूं इतनी हालत इनकी खराब है कि वहां जाने से ये लोग ऐसे डर रहे हैं कि पठानों को भेज रहे हैं इनके जो पंजाब के साइड के इलाके हैं बंदे हैं वो तो नहीं जा रहे सेना के तो पठानों को भेज रहे हैं तो पठान वहां पे जा नहीं रहे जो असल नस्ली पठान है वो नहीं जा रहे वो कह रहे हैं कि भाई हम बलोचों के साथ नहीं लड़ेंगे तो भाई उनको जो है निकाला जा रहा है आर्मी से और रही बात पंजाब के साइड की वो तो है ही पट्टू उनके अंदर तो धम ही नहीं है वो तो वैसे भी नहीं जाएंगे वहां पर तो इस वजह से दोस्तों हालत काफी ज्यादा खराब है हमने हमेशा बलोचों और पटानों का साथ दिया है वहां पर पाकिस्तान के अंदर हमने हमेशा इनकी आवाज उठाई है क्योंकि वहां पर अगर कोई आवाज उठाता है तो ये लोग उनको मार देते हैं इस वजह से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज बनी है ताकि दुनिया तक पहुंचे और सबको पता चले कि टट्टू आर्मी की औकात क्या है और टट्टू आर्मी जो है वो कर क्या सकती है टट्टू आर्मी बिना बातों के बिना अपने घर के अंदर मजलूम लोगों को मारने के अलावा दुनिया के आगे बिल्कुल

सिंबॉलिक तरीके से वो मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानी फौज का और ये बात भी एक पॉइंट और है जो पठान भाई ने कही ना आप देखिएगा मैं ये पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं आप लोग जाकर चेक करिए कि जो लोग मारे जाते हैं फौजी उनमें कितने पठान हैं अलग अलग ऑपरेशंस में कितने पठान हैं और कितने पंजाबी हैं आपको पठानों की संख्या ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये लोग उनको ही आगे भेज देते हैं खुद नहीं लड़ने जाते क्योंकि वो जानते हैं कि पठान कौम जो है वो बहादुर कौम है पठान कॉम जो है वो डरती नहीं है तो वह हमेशा जहां पे फॉरवर्ड पोस्ट होंगे जहां पे पोस्टिंग हुई जहां पे लड़ाई गोली बंदूक मार काट करनी है वहां पे पठानों को ही भेजते हैं कि ये मजबूत कॉम है ये चले जाएंगे वो पीछे अपना अफसर ही झाड़ते रहते हैं सिर्फ बंकर में बैठकर आप ये निकालिए पिछले दस साल में या बीस साल में जितने भी फौजी आपके यहां के मारे गए हैं आप निकालो कि उनमें पठान कितने मैक्सिमम आपको पठान मिलेंगे मैक्सिमम और वे बेचारे भी क्या करें उनको भी अपना घर पालना है भाई बीवी बच्चों को पालना है नौकरी करनी है वैसे तो पाकिस्तान में कुछ है नहीं तो उनकी भी मजबूरी है बेचारे क्या करें लेकिन अब धीरे धीरे उनमें भी आ रहा है तीसरी बात की जो ये डेटा पठान भाई ने दिया कि भाई सत्तर जो हैं वो मारे गए हैं और ये है इसका पाकिस्तानी मीडिया तो खैर खुलासा नहीं करेगी ना ही पाकिस्तान की सेना बाहर आने देगी इनके अपने सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन वो आने नहीं देगी ये गारंटी है वो अगर दस मारे गए होंगे ना तो कहेंगे जी दो ही मरे हैं या एक ही मरा है अब आते हैं पूरे ऑपरेशन पर दाराय बलून जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन खत्म हो गया और यकीन मानिए आप कड़ियों को मिलाइए आप पिछले दस साल की कड़ियों को मिलाइए तो आपको समझ में आएगा कि ये बी द्वारा किया गया जो वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं उन फाइटर्स के द्वारा किया गया ये ऑपरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पहले वो छोटी छोटी पोस्टों को निशाना बनाते थे फिर धीरे धीरे उन्होंने बड़ी पोस्टों का निशाना बनाना शुरू किया और ये जो ऑपरेशन किया ये पूरे शहर पर ऑपरेशन किया है मतलब ये अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि पहले जैसे पांच लोगों के गुट ने ऑपरेशन किया उसके बाद दस बीस के फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो मिलकर फिर उन्होंने एक बड़ी पोस्ट पर अटैक किया इस समय इन्होंने पूरी एक फौज की तरह काम किया है तीन सौ से चार सौ लोगों की पूरी फाइटर्स उसमें मौजूद थे वेपन्स थे कम्युनिकेशन था अलग अलग तरीके के वेपन्स थे उनको भी पता था कि एरियल अटैक हो सकता है तो उसको काउंटर कैसे करेंगे उनको पता था कि रॉकेट से मारा जा सकता है तो उनको कैसे काउंटर करेंगे फौज आ सकती है तो उनको कैसे काउंटर करेंगे ये सारी तैयारी उन्होंने की और इसको टेस्ट किया कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है पूरा शहर उन्होंने कब्जे में रखा अब वो वहाँ से चले गए और वो भी पाकिस्तानी आर्मी की नाक के नीचे उस एरिया में जो ये बलोन का एरिया है और जो बाच है वहां बहुत हाई सिक्योरिटी बहुत सारे मिलिट्री के कैंप्स हैं वहां पर बहुत सारी फौज है उसके बाद भी उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तो वो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि जब फाइनल लड़ाई की बारी आएगी तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कैसे वो अपने आप को मजबूत करेंगे ये बेसिकली ये ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी ये जो मार्च पर जो भी हुआ ये ट्रेनिंग उनकी हुई है ये ट्रेनिंग दी गई है कैसे कोऑर्डिनेट करना है कैसे इतनी बड़ी फौज से लड़ना है वो तो सारी चीजें आज नहीं पांच साल बाद सही लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है कुछ और आप एज यूजल आप भारत पर आरोप लगा दीजिए क्योंकि आपको आपको अपनी टोपी ट्रांसफर करनी है अच्छा एक बात बताइए आपकी एजेंसी अगर दुनिया में नंबर वन है तो क्या उसको इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ इतनी बड़ी मूवमेंट हो रही है इतनी बड़ी मूवमेंट एम तो हो जाती होगी बातचीत हो रही होगी लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे तो आपकी नंबर वन एजेंसी कर क्या रही थी उसको तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को भी अब धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा उनको भी सच्चाई पता चलने लगी है कि ये फर्जीवाड़े की लंबर वन आर्मी है और फर्जीवाड़े की लंबर वन एजेंसी है इनसे कुछ नहीं रोका जाता ये बस जो अंदर इनके नेता हैं कि इमरान खान को पकड़ लो इमरान खान को जेल डलवा दो इमरान खान के ऑडियो लिक्स करा दो उसका वीडियो निकाल लो यही करेंगे वो क्योंकि इमरान खान इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है तो पाकिस्तान के लोग अब ये बात धीरे धीरे समझ रहे हैं और इसलिए उनका गुस्सा भड़क कर आए तो पाकिस्तान की फौज से तो मैं यही कहूंगा कि उस दिन से डरो जिस दिन पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा भड़क गया उस दिन घर से निकाल निकाल के पाकिस्तान के लोग मारेंगे फौजी तुम्हें जो तुमने काम किया है अब देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आपकी अपनी राय क्या है जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद